अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू मीम से। आज मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स की बड़ी ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, और ये है ऑयल फ्री स्नैक्स यानी कि पापड़, जो कि आम हम घरों में बच्चों को बना के देते हैं, तो आज हम इसको बनाएंगे बगैर ऑयल के। तो ये देखें, एक मैंने पैन ले लिया, इसको अच्छे से हीट अप कर लिया। अब इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आपने 2 कप के करीब आपने लाजमी इसके अंदर डालना है, और इसको हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। पहले ज़माने में जितने भी स्नैक्स होते थे वो इसी तरह ही बनते थे, तो आजकल ही हमने ऑयल को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है। इसको हम कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो सॉल्ट है अच्छे से गर्म हो जाए। सॉल्ट अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं स्नैक्स डाल रही हूँ, ये देखें, और इसको मैं कवर कर दूँगी 2-3 मिनट के लिए। लेकिन इसको मैं हिलाती रहूँगी ताकि हमारे स्नैक्स जो हैं वो जल ना जाएँ। पापड़ अगर जल गया तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। तो अब हमने क्या करना है, कवर उतार देना है, और छलनी की मदद से हमने इसको हिलाते रहना है। मुसलसल आपने इसको हिलाना है, आपने हाथ नहीं रोकना, वरना हमारे पापड़ जो हैं वो जल जाएंगे। ये देखें, वो फूलना शुरू हो गए हैं, आपको उसके कलर से पता चल रहा होगा। और ये देखें जी, हमारे स्नैक्स हो चुके हैं रेडी। इसको अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आपने इसको बहुत अच्छे से छानना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि जो इसके अंदर सॉल्ट होगा वो निकल जाए। अगर सॉल्ट इसके अंदर होगा तो वो ज़्यादा सॉल्टी लगेगा, तो आपने अच्छे से इसको छान देना है। अब सेकंड बैच भी हम इसी तरह ही इसमें डाल के इसको भी मुसलसल हिलाएंगे, आपने हाथ नहीं रोकना। ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है, आपने हाथ नहीं रोकना। अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखें, मैंने मुसलसल इसको हिलाते हुए दूसरा बैच जो है वो भी हमारा रेडी हो गया है। और ये देखें, इसको मैं छलनी में डाल के इसका अच्छे से इसमें से जो सॉल्ट है उसको निकाल रही हूँ, और ये क्रिस्प आप इसका देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं ये, और ये ऑयल फ्री हैं। तो आप बच्चों को ये हेल्दी से स्नैक्स बना के दे सकते हैं, और आजकल तो घी भी बहुत महंगा है, तो आप इस तरह इसको बनाएं और इंजॉय करें, और बच्चे भी ये हेल्दी से स्नैक्स खा के बड़े खुश होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।